दीपक अस्पताल एक सुपर स्पेशलिटी अते मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जिथे हर तरह की बीमारी दे इलाज लई योग डॉक्टरां दा प्रबंध है। वख वख बीमारियां दा वखरे अते काबिल डॉक्टरां वलों इलाज किया जांदा है। गले, कन, दंदा, अखां, हड्डियां अते जनरल बीमारियां दा इलाज माहर डॉक्टरां वलों किया जांदा है। दीपक अस्पताल दा हर विभाग आधुनिक सहूलतां नाल लैस है। दीपक अस्पताल विखे एमरजेंसी 24 घंटे खुली है। इथे मरीजां नूं हर तरह दी वधिया सहूलतां दित्तियां जांदियां हन। मैं डॉक्टर तुषार अरोरा, मैं MBBS फिर MS फिर MCH न्यूरो सर्जरी डिग्री ली मैंने 15 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से। पहले मैं दिल्ली में काम कर रहा था, अभी 8 साल से लुधियाना में हूँ। पहले छह साल मैं अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी काम किया और सब टाइप के केसेस ऑपरेट किए ब्रेन और स्पाइन के। अभी 2 साल से मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ दीपक हॉस्पिटल सराबा नगर में। एंड यहाँ पे हम लोग सारी टाइप की सर्जरीज कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल वैसे तो 36 साल पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन अभी लास्ट 2 साल में इसका रेनोवेशन हुआ है। हमारे पास अब फुली इक्विप्ड ICUs हैं जिसमें 17 बेड्स हैं और 4 OT हैं जिसमें हर टाइप का इक्विपमेंट मौजूद है। और हम लोग इसीलिए ब्रेन और स्पाइन की सारी सर्जरीज बड़ी रेगुलरली कर रहे हैं। मेरा मेन जो फोकस है सर्जरीज में वो एक तो हेड इंजरी है। हेड इंजरी का कोई भी टाइप का पेशेंट जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो वो ऑपरेट करते हैं। स्पाइनल इंजरीज फिक्स करते हैं स्पाइन को, स्पाइन में कोई खून इकट्ठा होता है उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा सारे टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स, मेनिंजोमा, पिचुट्री ट्यूमर्स जो नाक के जरिए हम लोग करते हैं, ग्लायमास ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक्स जिसको अधरंग बोलते हैं जिसमें एक साइड पासा खड़ जाता है उसमें हम लोग खून निकाल सकते हैं, हड्डी निकाल सकते हैं। कई बार एनुरिज्म ऑपरेट करते हैं जिसमें जो कि एक गुब्बारा होता है दिमाग के अंदर जिससे कई बार जानलेवा हेमरेज होता है, अगर उसको ऑपरेट ना किया जाए ठीक टाइम पे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं वो करते हैं, और स्पेशली चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के नाते गरीबों के लिए हम लोगों ने स्पेशल पैकेजेस और स्पेशल डिस्काउंट रखे हुए हैं। हमारी यही चाह है कि लुधियाना के जितने भी पेशेंट्स हैं चाहे वो गरीब भी हैं वो भी आके हमारी न्यूरो सर्जरी स्पेशली सेवाएं का लाभ उठाएं। मॉर्निंग में 10 और 2 के बीच में मैं डेली अवेलेबल हूँ और मेरा नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9876267400। हॉस्पिटल डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं, 24 आवर्स एमरजेंसी ओपन है। हॉस्पिटल के नंबर हैं 4671100, 4671111। एमरजेंसी हमारी फुली इक्विप्ड है 24 आवर्स, नाइट में कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की हेड रिलेटेड दौरा पड़ता हो, सिर में दर्द हो और कोई प्रॉब्लम एमरजेंसीज हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनी और बिलिंग बिल्कुल ओवर बिलिंग बिल्कुल नहीं है और जितना होना चाहिए बिल उतना ही आता है। मैं डॉक्टर रमन सिंगला दीपक हॉस्पिटल विच जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हाँ। मैं इत्थे पिछले 5 सालों तो काम कर रहा हाँ ते हर महीने असी इत्थे 15 to 20 गोडे और चूल्हे बदलते हाँ। असी इत्थे गोडे लेटेस्ट टेक्निक नाल बदलते हाँ जिदे विच कि छोटा कट दिता जांदा है और मरीज नूं बिल्कुल पेन नहीं हुंदा। 2 दिन तक असी पिठ दे विच दवाई दिंदे हाँ जिहड़ा कि पेन नूं कंट्रोल करदी है ते मरीज अगले दिन ही पेन फ्री होके बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने आप चलदा है ते उहनूं कोई सहारे दी लोड़ नहीं पैंदी। असी चूल्हे भी इत्थे हर महीने असी करीबन 4 to 5 चूल्हे बदलदे हाँ और मरीज सेम अगले दिन चलदा है और 5 to 6 दिन इत्थे रह के छुट्टी कर दिंदे हाँ ते असी 14 दिन उन्हें टांके कटन वास्ते बुलाते हाँ। इत्थे असी आर्थोस्कोपी भी करते हाँ जिदे विच असी की होल सर्जरी छोटा जा चीरा लगा के गोडे या मोढ़े दे विच तनिया बनाते हाँ
और मरीज करीबन 4 to 5 दिन रहिंदा है ते फिर फिजियोथेरेपी करा के वह तनियाँ नॉर्मल वांगू काम कर दिया हन। साढ़े कोल इत्थे लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर हैं जिहड़े कि सिर्फ गोडे और चूल्हे बनाने वास्ते असी एक सैपरेट ऑपरेशन थिएटर रखिया होया है जिहदे करके इनफेक्शन रेट बहुत घट है इत्थे। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा ENT स्पैशलिस्ट पिछले 5 सालों तो दीपक हॉस्पिटल लुधियाणा नाल अटैच्ड हाँ। असी इत्थे हर तरह दियां नक कन गले दियां बीमारियां दा इलाज करते हाँ जिवें कि दूरबीन नाल जिवें कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी यानी कि दूरबीन नाल कन दूरबीन नाल नक दी साइनस अते अख चो पानी वगन दे ऑपरेशन, इस तो इलावा विंगे टेढ़े चौड़े नक दी राइनोप्लास्टी दे ऑपरेशन अते कन वगन लई इस तो इलावा कन वगदियां लई दुनिया दे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स नाल असी कन्ना दे हर तरह दे ऑपरेशन करते हाँ। इस तो इलावा चक्करां वाले मरीजां दा खास इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर SK चोपड़ा इत्थे दीपक हॉस्पिटल दे कंसल्टेंट आई सर्जन अखां दा माहर डॉक्टर हाँ। इस तो पहला मैं CMC हॉस्पिटल दे विच प्रोफेसर ते हैड रह चुके हैं, उत्थों रिटायर होके इत्थे सेवा हाजिर है। साड़ी आई डिपार्टमेंट दे विच हर तरह दियां लेटेस्ट सहूलतां इत्थे अवेलेबल ने जिवें कि रूटीन आई चैकअप और काला मोतिया चिट्टा मोतिया नसूर दा अखां दे पड़वालां दा हर तरह के कॉन्टैक्ट लैंसिज हर तरह दियां साढ़े कोल सहूलतां इत्थे हैगियां। शुगर दे मरीजां वास्ते उन्हां दा अखां दे अंदर जो असर हुंदा है उहदी जाँच और इलाज दियां फैसिलिटीज़ भी साढ़े कोल इत्थे हैगियां। उपर साढ़े कोल ऑपरेशन वास्ते बगैर टांके वाले फेको सर्जरी काला मोतिया की सर्जरी तीर या पेंगापन या स्क्विंट की सर्जरी या नसूर लैक्रीमल सैक दे DCR की सर्जरी पड़वाला की सर्जरी हर तरह दिया मेरे कहने का मतलब है कि हर तरह दिया फैसिलिटीज साढ़े इत्थे हैगियां। लेटेस्ट मशीन साढ़े हस्पताल च अवेलेबल ने। इत्थे दा ऑपरेशन थिएटर वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन थिएटर सारे शहर दे च जिहदे च ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट और फैसिलिटीज इत्थे अवेलेबल ने। मैं डॉक्टर लवली अरोरा पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट हूँ, दीपक हॉस्पिटल में पिछले 3-4 महीने से जॉब कर रही हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी मणिपाल से की है। मणिपाल वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज अमृतसर से की है। इवन वो भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर आते हैं और बहुत एक्सपोजर वहाँ पर हुआ है हमें। हम यहाँ दीपक हॉस्पिटल में पिछले 3-4 महीने से जॉब कर रही हूँ। और पहले मैंने 1 साल अम्बाला में एज अ सीनियर लेक्चरर जॉब किया है। उसके बाद मैंने दीपक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। यहाँ पर बहुत अच्छा है सब कुछ, प्रॉपरली पूरा एयर कंडीशन क्लिनिक है। पेशेंट्स की दांतों की हेल्थ के साथ साथ हाइजीन की भी केयर की जाती है। सारे हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितने भी सारे मेथड्स हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। हर पेशेंट के लिए हर चीज़ फ्रेश रखी जाती है, फ्रेश इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रेश ग्लासेस, फ्रेश सक्शन टिप्स, हर कुछ फ्रेश बिल्कुल नए तरीके से किया जाता है। पेशेंट की हेल्थ दांतों के रिप्लेसमेंट में हर तरीके से सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं और प्रोसीजर्स करने के लिए सारे लेटेस्ट जितने भी लेटेस्ट सामान है, लेटेस्ट मटेरियल्स हैं, लेटेस्ट मेथड्स हैं, वो सारे रिसेंट मेथड से किए जाते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सारी नई तकनीकें, सब नई सुविधाएं हर तरह से उपलब्ध हैं हॉस्पिटल के अंदर। दांतों से संबंधित सारे इलाज हम करते हैं, जैसे कि दांतों की सफाई, दांतों की भराई, दांतों में रूट केनाल ट्रीटमेंट, उसमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन का इलाज, इम्प्लांट्स, फिक्स दांत लगाना, निकालने पहनने वाले दांत, पूरे डेंचर्स, हर दांतों की किसी भी परेशान, दांतों से अगर खून आता है, दांतों से मुंह से अगर बदबू आती है, दांतों में दर्द हो रही है, मुंह में छाले हैं, मुंह में किसी भी तरह की बीमारी, हर तरह का इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। मैं डॉक्टर परमजीत, एक लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन दीपक हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हाँ। मुंबई तो
मास्टर ऑफ सर्जरी करके पिछले 10 साल तो दीपक हॉस्पिटल च ऑपरेट कर रहे हैं। इस्टैब्लिश्ड 1976 और रिसेंटली रिनोवेटेड दीपक हॉस्पिटल एक 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर जेरे 4 हैगे ने विथ लैमिनर फ्लोड और 18 बेडेड ICU विथ वेंटिलेटर्स, 12 बेडेड एमरजेंसी और एक ट्रामा टीम बनाई गई है टू लुक आफ्टर। अवेलेबल ने औरतों के लिए और की तुसी कर दो 24 घंटे सारिया फैसिलिटीज अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, पेशेंट का BP हाई हो जाता है जिवें प्रैगनेंसी के बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी असं डील करते हैं क्योंकि साढ़े को ICU केयर है। बहुत घट HB होंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अंदर ही अवेलेबल है। जोड़ा डॉक्टर एडवाइस करता है स्क्रीनिंग टैसट वो कराना चाहिए, जिमें अचक सर्वाइकल कैंसर, ब्रैसट कैंसर यंग एज बहुत कॉमन हो रहा है, पर जो आप पहला प्रॉपर टैसट स्क्रीनिंग कराते रहिए तो जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आफ्टर द एज ऑफ 35-40 उन्होंने डॉक्टर रेगूलर विजिट करना चाहिए एटलीस्ट वंस ए ईयर, ताकि डॉक्टर उन्होंने स्क्रीनिंग टैसट करके जल्दी ये कोई डिजीज शुरुआत दौर के ही पकड़ सकी, ताकि उनका इलाज हो सके। मायसेल्फ डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मैं इतने दीपक हॉस्पिटल एज कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट तो हैपेटोलॉजिस्ट सर्विस कर रहे हैं। इतने दीपक हॉस्पिटल असी एक पूरा गैस्ट्रेंटोलॉजी तो हैपेटोलॉजी का डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, जिते कि हर तरह दियाँ अति आधुनिक सुविधावान उपलब्ध ने, लेटेस्ट मशीनस हैं सारिया। इतने हर तरह का एंडोस्कोपिक प्रोसीजर असी करते हैं, जिमें खून दियाँ उल्टियाँ ते टट्टियाँ का इलाज, जिस तरह पित्त दी नाली चो बिना ऑपरेशन पत्थरी कढ़ना, या किसी भी फूड पाइप का कोई भी भाग जे तंग होया होवे, श्रिंक किया होवे तो उन्हूं खोलना, भोजन नाली कोई भी बाहरली चीज़ फस जाए जिमें सिक्का या बंटा इत्यादि कढ़ना, ईवन के कई तरह के डेंचर्स जिमें फसे हो असी वह कढ़े ने, ईवन के एक बार लास्ट ईयर की गल है कि एक पूरा टूथब्रश एक 50 साल के आदमी के अंदर लंघ गया सी, उहदे अंत जाके फस गया सी, जिन्हों के सर्जरी रिकमेंड की गई सी, वह असी बड़ा सक्सैसफुली सिर्फ दूरबीन के नाल एंडोस्कोपिकली उन्हें रिमूव किया तो वह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि अद्धे घंटे चो वापस चले गए हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज होके। इस तो इलावा हैपेटाइटिस बी ते सी जिन्हों की आप सिंपल लैंग्वेज काला पीलिया कहने, जिमें कि आप सारे जानते हैं कि हैपेटाइटिस सी अपने बहुत ज़्यादा कॉमन है पंजाब दे विच, सारे जे हिंदुस्तान की गल करिए पंजाब च सब तो ज़्यादा कॉमन है, तो ईवन पंजाब दे विचों अपना इस एरिया एवली बैल्ट है जिहड़ी कि मोगा बाघा पुराना फिरोजपुर बॉर्डर एरिया, इत्थे सब तो ज़्यादा अफेक्टिड है। ये कहा जाता है कि करीब 10% जिहड़ी जनरल पॉपुलेशन है वह हैपेटाइटिस सी तो सफर कर रही है, तो ये बारे बहुत सारे लोगों नू गलत भावनावान ने या गलत फहमिया ने, ते वो बहुत ज़्यादा डरते ने। इनफैक्ट ये बीमारी डेफिनेटली जानलेवा है, इस कोई शक नहीं, जे समय रहिंदे इहदा इलाज ना किया जाए तो यह लिवर नू पूरी तरह डैमेज करके जानलेवा सिद्ध हो सकती है, पर जे आप टाइम रहिंदे इहनू चैक कर लीए, इहनू डिटेक्ट कर लीए, इहनू डायगनोज कर लीए, तो इहनू आप सक्सैसफुली ट्रीट कर सकते हैं। हुण साडे कोले हजारा पेशेंट्स जिहड़े ट्रीट करा चुके ने, बड़ा हैप्पीली वह रह रहे हैं, उन्होंने वायरस खत्म हो चुका है, हूँ अगे नूं भी उन्होंने लिवर का कोई रिस्क नहीं, तो सैकड़े पेशेंट्स का हूँ ट्रीटमेंट हो रहा है। इतने दीपक हॉस्पिटल असी उन्होंने एक पूरा एक कंपोजिट टाइप नाल उन्होंने ट्रीट करते हैं, लाइक उन्होंने यही नहीं भी सिर्फ ट्रीटमेंट इंजैक्शन ही लगने ने, सो उन्होंने इंजैक्शन भी लगना, उस दौरान उन्होंने कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुन के उन्होंने हैंडल करना है ताकि वह सक्सैसफुली पूरा ट्रीटमेंट करवा सकन। बाकी लोगों को बहुत ये है कि ट्रीटमेंट कराने वेले सानू तकलीफ होंदी है, दर्द होंदा है, बुखार होंदा है, सैल घट जाते हैं, खैर वह तकलीफ हो सकती है पर वह इन्नी कॉमन ही है जिन्हें आप डरते हैं, तो जे उन्होंने आप टाइम सिर चैक करते रहने उन्होंने पहली स्टेज पर ही उस कॉम्प्लीकेशन जो आप डिटेक्ट कर लिए तो आप सक्सैसफुली उन्होंने बचाव कर सकते हैं ताकि मरीज अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सके। मेरा नाम डॉक्टर तेजपाल गिल है, मैं दीपक हॉस्पिटल विच काम कर रहा है, मैं रिसेंटली इत्थे ज्वाइन किया। इत्थे असी स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, मतलब जिहड़े लोगों नू पेशाब की तकलीफ हुंदी है, गुरदियां की तकलीफ हुंदी है, गुरदियां च पत्थरी है या
ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਦੂਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜੀਕਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਵੈੱਲ ਇਕੁਇਪਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈੱਲ ਇਕੁਇਪਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ICUs ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ।